गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का जो डे है वो बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कल का वीडियो भी काफी लेट आया मेरा, उसको एडिटिंग करने में ही सारा दिन निकल गया मेरा, और अभी फाइनली फ्री हुआ हूँ मैं। तो अभी निकलेंगे कहीं बाहर। वैसे आज अभिजीत का बर्थडे भी है, तो अभिजीत अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई हैप्पी बर्थडे। और आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो और अभिजीत को जानते हो तो आप भी विश कर सकते हो अभिजीत को। वैसे जाऊंगा शाम को मिलने के लिए उससे, तब आपको दिखा दूंगा, मिलवा भी दूंगा मैं। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, निकलते हैं बाहर, इस वीडियो को एक बार बाहर से कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारे स्कूटी के टायर में हवा जा रहा है, नहीं तो जो शोरूम से मिला था वैसे ही है। अब ये नहीं पता, हम लोग जो उस दिन दिए थे पापा इधर सर्विस सेंटर में, अब पता नहीं, ये आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर आकर इसमें हवा डाला है। कम था कि है अभी? कम था ना। ये टायर में हम लोग चलाए भुवनेश्वर से इधर आ गए भाई साहब। किलोमीटर देखोगे तब समझ में आ जाएगा, मतलब 1500 किलोमीटर 1600 किलोमीटर हो गया ना। छोड़ा ले रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पिकअप थ्रॉटल दे रहा है ना? नहीं ले रहा है, फिर छोड़ा ले रहा है, अभी ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था पता नहीं है, हम तो फर्स्ट टाइम, हम तो चला, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। तेल लगाने के बाद ये वाला प्रॉब्लम दिखाई दिया यार, तेल में कुछ था क्या प्रॉब्लम? मेरे को बंद हो गया, पता नहीं तेल सही था कि नहीं था, मेरे को बंद हो गया। थ्रॉटल दिया हुआ है, ठीक है, देखो बंद करके चालू करो बाइक को। रुक जा रहा, ब्रेक मार रहा, मेरे को लग रहा है कोई ब्रेक मार रहा है। बाइक चलते चलते पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, थ्रोटल छोड़ रहा है ना, मतलब जैसे कोई इंजन में तेल देने के बाद ये होता है ना, तेल ठीक नहीं ना, हम बोले ना तेल का प्रॉब्लम है। पहले एटा की करते दादा बोलो तो, तेल पूरा बार करो, एक करा जाए ना, टाइम भाई साहब देख लो। ये जो हमारा स्कूटी का प्रॉब्लम हुआ, वो क्या बोला पापा इधर वहाँ पे यामा वाला, ऑयल का प्रॉब्लम है वो बोल रहा है, हो सकता है ऑयल का प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोल रहा था आपको आज स्कूटी रख कर जाना पड़ेगा, कल बंद रहेगा, तो मुझे स्कूटी परसों मिलता। तो पता नहीं, अभी हम लोग हाईवे साइड आ गए हैं, अंकुर हाटी साइड, ये देख लो सामने अर्चलान भी दिख रहा है। तो ये हम लोग यहाँ आए, देख लो यामाहा शोरूम में, भाई ये तो बहुत ही बड़ा शोरूम है, ये सबसे बड़ा, मतलब नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का, इधर का, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा, मतलब ये क्या बोल रहा था ना, ब्लू स्क्वायर से भी ऊपर एक कैटेगरी होता है, वो कैटेगरी का सबसे ऊपर वाला, हाँ सबसे ऊपर वो कैटेगरी वाला है। अभी 20 में चला रहा है ना, ठीक चल रहा है, जैसे ही पिकअप लोग हैं। अभी ये भैया भी टेस्ट करने के लिए गए हैं, देखो क्या होता है। वो तो बता रहा था ना प्रॉब्लम कर रहा है, देखो भैया को समझ में आता है कि नहीं। क्या यार, आज पता है अभिजीत का बर्थडे भी है, तो भाई को कुछ केक वगैरह सरप्राइज करना था। अभिजीत का बर्थडे है, जानते नहीं, विश करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं यार, खैर छोड़ो देखते हैं, चलो अभिजीत को पापा इधर विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे अभिजीत, हैप्पी बर्थडे अभिजीत। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं पता अभिजीत को है तो पुराना वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अभिजीत को सबको मिलके पूरा एकदम सबको मिलके उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देना। तो बाइक का प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग देख लो आलिशान में पहुंच चुके हैं, और आगे तो बाइक का क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ है मैं आपको ऊपर जाकर बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आलिशान है, देख लो, ये वही आलिशान है जो हम लोग अपने एरिया में खाते हैं, बोलते हैं ना जब हमारा बजट कम होता है तो हम लोग यहीं पे खाते हैं। कैसे है भैया? एम्बियंस तो एक नंबर है यहाँ का। तो हम लोगों ने ये वाला सीट लिया है, हमारा एरोक्स भी दिख रहा है यहाँ से। भाई सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था। खैर कोई नहीं, अब यहाँ आए थे तो सोचे एक बार पास में ही नया आलिशान है, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं इनके ऊपर, रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए हैं थोड़ा देर के लिए ना, मतलब मेरे को ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना अगर नया बाइक का या फिर स्कूटी का अगर कुछ होता है, जबकि इतना संभाल कर चलाते हैं हम लोग, बताओ अभी तक इतना दिन हो गया है ना, अभी तक एक भी स्क्रैचेस हम लोगों ने लगने नहीं दिया है। देखो हम एक बात बता रहे हैं, वो बाइक लेता है वो मतलब दिल में पत्थर रख लेता है ये टाइम, तो हमारे रोड का जो कंडीशन है ना भाई, वो तो और पत्थर रख के चलाना पड़ता है। जो हमारे एरिया का सर्विस सेंटर था वो तो 6:30 बजे उनका बंद होने का टाइम था, तो वो बोले कि आपको रख के जाना पड़ेगा, ऊपर तो रिजल्ट आपको दे पाएंगे क्या सीन है क्या। फिर पापा जाने पता किया अंकुर हाटी का जो सबसे बड़ा शोरूम है यामाहा का, तो हम लोग वहाँ आए। वहाँ पे जैसा कि आपने देखा, उन्होंने मेरा स्कूटी का टेस्ट राइड लिया जो भी, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, हम लोग जब भी फ्यूल भरवाते हैं ना तो पूरा फुल कर लेते हैं फ्यूल, और ये अभी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम ये किया है, ये हम लोग लाइक जब से स्कूटी हम लोगों ने लिया है, मैं जितना बार भी फ्यूल डलवाया हूँ अभी तक, जितना बार भी मैंने फ्यूल डलवाया है
कभी भी ऐसा नहीं कि 100 रुपए का 50 रुपए का, ऐसा नहीं कभी भी नहीं। जब भी डलवाया मैंने फुल डलवाया। ऊपर से पापा जी का टेक्निक है कैसे ऐसा हिला के ऐसा मतलब फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं पूरा ऊपर तक कर देते थे, तो उन्होंने बताया कि ये चीज नहीं करने के लिए, इससे क्या होता है कि कभी कभी एयर ब्लॉक हो जाता है कि क्या पता नहीं इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो बोले कि जब तक ये फ्यूल, कहीं ना कहीं फ्यूल का भी रीजन है, फ्यूल भी खराब है हम लोगों का जो हम लोगों ने फ्यूल लिया है। कहाँ से लिया हम लोगों ने फ्यूल? सेल पेट्रोल पंप जो आपका गोलाबाड़ी के जस्ट पास में ही है, घास बगान के जस्ट आसपास में ही है वो, वहां से हम लोगों ने अपना फ्यूल फुल करवाया था। ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हम लोग फुल करवाए, वो अजीब ही हो गया था। वो वीडियो में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत मैंने दिखाया था, वो पिकअप ले ही नहीं रहा था, कभी थ्रॉटल ले रहा है बंद हो रहा है, अजीब सा हो गया था वो, पता नहीं क्या हो गया था। खैर जैसा तैसा करके यहाँ पे हो गया, थोड़ा रिलीफ मिला अभी मुझे। और वो ये भी बोले हैं कि जब तक ये ऑयल है आपके मतलब टैंक में तब तक शायद हो सकता है एक दो बार और प्रॉब्लम हो आपको, ये सीन है अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, हर कुछ काफी अच्छे से समझाया बताया, ऐसा कुछ भी घाई नहीं था कि आप वेट करिए टाइम लगेगा, जबकि हम लोग एकदम एंड टाइम में आए हुए, एकदम बस थोड़ी देर में बंद ही होने वाला है सब। और वहाँ से जब आ ही रहे थे तो आपको पता होगा मैंने बताया था, जब हमारा बजट वगैरह का इशू होता है तब हम लोग मतलब अपने एरिया में वो लोकल बिरयानी खाते हैं। तो आज हम लोग उनके दूसरे आउटलेट में आए हैं जो कि बहुत बड़ा आउटलेट है इनका, देख लो कितना बड़ा आउटलेट है पूरा। इन लोगों ने हाईवे साइड ही एक नया आलिशान खोल के रखा है, 2 फ्लोर का ये आलिशान है। इसका प्रॉपर लोकेशन क्या है मैं बता दूं, जो अंकुर हाटी का चेक पोस्ट है ना वही लोकेशन है, आपको दिख जाएगा बड़ा सा आलिशान, या फिर सामने में ही यामाहा का शोरूम भी है। जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्रॉस करोगे, अगर अच्छा बिरयानी बजट में अच्छा बिरयानी खाना है भाई, आंख बंद करके आ जाओ, पसंद आएगा आपको बिरयानी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ऑर्डर कर देते हैं क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं, जब आ जाता है टेबल पे तब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो देख लो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने तंदूरी चिकन ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि नीचे ही जब हम लोग एंटर हो रहे थे ना तो देखे तंदूरी चिकन रखा हुआ था, देखकर समझ में आ गया था कि काफी अच्छा होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने मंगवा लिया इसको। चलो ट्राई करते हैं, देखकर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज मेरा जल्दी जल्दी में हाथ भी जल गया, अभी ठीक है फिलहाल। वैसे तो बोलना पड़ेगा काफ़ी जूसी लग रहा है ये चिकन, लेकिन अंदर से थोड़ा ड्राई भी लग रहा है मुझे, ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा चबाना ज़्यादा पड़ रहा है मुझे, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा ये। बाकी अभी मैंने इनका मेन्यू चेक करा, यहाँ पे मुगल से लेकर चाइनीज से लेकर मतलब इंडो चाइनीज से लेकर हर कुछ मिल रहा है, मतलब भाई खाने का वेराइटीज तो इनके पास घर भर के पड़ा हुआ है। इनका तंदूरी चिकन तो हम लोगों ने ट्राई कर लिया, अच्छा था तंदूरी चिकन, लेकिन हाँ जैसा कि मैंने बताया तंदूरी जो चिकन था इनका थोड़ा मुझे ड्राई लगा, बाकी चटनी इनका बहुत सही था। बस देख लो जब तक हमारा बिरयानी आ रहा था हम लोग चटनी खा रहे थे वहाँ पे, अभी हम लोगों ने अपना चिकन बिरयानी ले लिया है। और इनका बिरयानी हम लोगों ने कई बार टेस्ट करा हुआ है, इसमें अलग से कुछ रिव्यू देने जैसा तो नहीं है, फिर भी हाँ दिखा देते हैं आपको। मुझे पता नहीं क्यों इनका जो बिरयानी है ना अरसलान से 10 टाइम बेटर लगता है, प्राइस के मामले में तो एकदम आधा का भी आधा है ये, और सबसे बड़ा बात इनका टेस्ट भी मतलब बहुत ही सही है, अच्छा लगेगा आपको इस रेट में बिरयानी खा करना। मैं आपको रेट एक बार वापस से बता दूंगा किस बिरयानी का क्या रेट है। जो ये चिकन बिरयानी आप देख रहे हो ना, क्वांटिटी देख लो, ये 100 रुपीज का बिरयानी है, और मैं बता रहा हूँ ना भाई मतलब 10 टाइम बेटर है, प्राइस भी ड्राई नहीं है। और एक बात है, जो हमारे वहाँ पे आलिशान है पिलखाना साइड में, कभी कभी मिलता है वहाँ पे एक घोल मिलता है, तो जब भी हम लोग बिरयानी लेते थे ना तो घोल भी लेते थे, लेकिन वो अभी यहाँ तो नहीं मिलेगा, जब भी हम लोग पिलखाना में जाते हैं तब वहाँ मिल जाता है। सर राइस भी देखो ड्राई निकले, सब आता है पापा जा बिरयानी बनाने, बनाओ कभी। आलिशान जो है वो बिरयानी के लिए ही मतलब मेन फेमस है, और हम लोग भी इसको बिरयानी के लिए ही जानते हैं, कल के डेट में मेरा यहाँ आने का प्लान बनता भी है ना तो इनके बिरयानी के लिए ही बनता है, ये बात मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आपको। जब भी आपको ये आलिशान दिखता है यहाँ का चिकन बिरयानी या फिर मटन बिरयानी जरूर ट्राई करना, चिकन बिरयानी इनका 100 रुपीज, मटन बिरयानी इनका 160। हम लोग तो जब भी आते हैं यहाँ का चिकन बिरयानी ट्राई करते हैं, मस्त है। पापा तक कैसा है बिरयानी अरसलान जैसा ही है पूरा टेस्ट है, हम तो बोले अरसलान से हम लोग को 10 टाइम बेटर लगता है ये, बहुत अच्छा। 300 रुपया देकर आप बिरयानी खाते हो? नहीं नहीं हम ये खाएंगे, ये 100 रुपए का बिरयानी हम बोलेंगे बहुत बेटर है। हाँ। कभी ट्राई करके देखो, एक बार अरसलान कर लेना, एक बार इसका लेना, तब फर्क समझ में। इसलिए क्या बोलो तो वो लाइट भी है, लाइट भी है और वो हल्का मसाला का भी है, मतलब दोनों मिक्स है। मुझे तो इनका लेग पीस मिला है और चिकन इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ही सही है। चिकन तो वैसे भी सॉफ्ट होता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कुक किया गया है, मेरे को बॉडी दिया, बॉडी भी सॉफ्ट, बॉडी भी सॉफ्ट है भाई साहब। तो बिरयानी के लिए भैया नो कम्प्लेंट, एक नंबर बिरयानी इनका, एक नंबर। जैसा कि मैंने कहा कि बिरयानी तो नो डाउट इनका बहुत ही अच्छा होता है, और प्लेट से आइडिया लग रहा होगा आपको कैसा ही बिरयानी था ये, जबकि हम लोगों ने तंदूरी चिकन खाया स्टार्टिंग में, फिर भी बिरयानी पूरा कंप्लीट हो गया, सोचो कितना अच्छा था। रेट भी एकदम रिजनेबल है इनका, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे फिरनी ले लिया है, खाते हैं इसको फिर निकलते हैं। देख लो यहाँ पे वैसे कबाब वगैरह का भी आइटम था, तो हम लोगों ने ये तंदूरी चिकन ही ट्राई किया। वैसे यहाँ पे इंडो चाइनीज का भी ऑप्शन है, बट मुगल के साथ इंडो चाइनीज जाएगा नहीं, चलो। और नूडल्स देखकर भी अच्छा लग रहा है कि बढ़िया होगा, वो सॉल्टलेक वाला याद आ रहा है। अभी जस्ट हम लोग निकले आलिशान से, और ये हमारा टोटल हुआ कितना, टोटल 580। लेकिन ये जो 580 हुआ वर्थ था, मतलब पेट भी भर गया, और अरे पैकिंग भी कुछ करवाया था हम लोगों ने, ये हम लोग का एक
पैक होगा, छूट गया था खाना। अगर आप अपने बाइक या फिर कार से आते हो तो आसपास में तो जगह मिल जाएगा। बाकी किस चीज का क्या रेट है आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, तो ये अभी अपने एरिया में हम लोग आ चुके हैं और देख लो यहाँ पे ये अभिजीत का केक ले लिया गया है। अभिजीत शायद बाहर ही खड़ा है क्या, पता नहीं, उसको मैंने फोन अभी किया था। बर्थडे बॉय खड़ा है उधर, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थोड़ा लाइट का कम ही है। और अमित कैसा है भाई? बढ़िया। हैप्पी बर्थडे भाई, ऐसे तो फोन में हो गया है लेकिन कैमरा के लिए अभी बोल देगा। माचिस इसके पास है? पापा इधर के पास है, अभी खरीदे लेकिन पापा इधर माचिस है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिजीत, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भाई, तुम जियो हजारों साल भाई। थैंक यू फ्रॉम माई, भाई सब खाना पीना तो हो गया, साथ में एक पूरी ट्रिप किया जाए। अमित भाई पूरी ट्रिप किया जाए साथ में, पूरी ट्रिप तो हो जाएगा, एक साथ में ट्रिप भी बहुत दिन हो गया इसीलिए। क्या फायदा? हाँ एकदम, अभी तो घर है पूरी, इसको अच्छे से भाई पैक करके लेके चल जाए। अभी जस्ट मैं अपने घर आया और मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कल का मेरा फ्लाइट भी है, तो अभी मुझे सोना होगा नहीं, तो वो कल के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी कुछ भी पैकिंग वगैरह नहीं हुआ है, अभी जस्ट मैंने टिकट बुक किया और सुबह ही मुझे निकलना भी होगा। और नींद देख लो आंखों में, ये वीडियो एडिट भी नहीं है, पता नहीं ये वीडियो कब आएगा कब नहीं। वैसे भी तो मेरा जो वीडियो है वो टाइम पे नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो ना आप लोग तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो चलो फाइनल वाला बाय।